केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, धान की पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने सभी राज्य करें उचित प्रबंधन। देशव्यापी स्वच्छता अभियान गढ़ रहा सफलता के नए आयाम। राज्य में अब तक हुई 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी। और राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदूषण को रोकने के लिए धान की पराली का उचित प्रबंधन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पूसा दिल्ली में किसानों की एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री ने बताया कि केंद्र ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को 3,000 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए हैं। लेकर केंद्र सरकार ने लगभग अभी तक 18-19 से 3,138 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को दिया है। पूसा डीकम्पोजर का प्रयोग बहुत ही सफल है, सरल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों को भी आग्रह करना चाहूँगा और किसान भाइयों बहनों को भी आग्रह करना चाहूँगा कि पूसा डीकम्पोजर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मंत्री ने कहा, केंद्र द्वारा प्रदान की गई सहायता से पराली प्रबंधन के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई 2 लाख से अधिक मशीनों के उपयोग से इस समस्या का व्यापक समाधान संभव है। स्वच्छता अभियान सफलता के नए आयाम गढ़ रहा है। इसके जरिए न केवल कूड़े कचरे की समस्या से निजात मिल रही है बल्कि सरकार को भी आमदनी हो रही है। स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की उपलब्धि कैसी रही, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। की भारत सरकार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिर्फ कबाड़ के निपटारे से 364 करोड़ रुपए से अधिक की आमदनी हुई है, जबकि 88 लाख वर्ग फुट को कचरा मुक्त बनाने में भी कामयाबी मिली है। सफाई अभियान लगभग 1 लाख जगहों पर चलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 की समीक्षा के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अभियान की सफलता की जानकारी दी। 88 lakh square feet of space cleared, which you can imagine would be substantial, and nearly 10,000 locations were involved in this campaign, which is I think a record in itself. Nearly 1 lakh locations. Of course, the figure is 99,000 something, which is almost 10 lakh, and as many as 300 best practices. 2 से 31 अक्टूबर तक चले विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान बड़े पैमाने पर लोक शिकायतों का निपटारा किया गया। 8,734 सांसदों के मामलों के जवाब दिए गए और 883 नियमों को सुगम बनाया गया। वहीं 54.50 लाख फाइलों की समीक्षा भी की गई। इस दौरान रेलवे, जहाजरानी, संचार समेत अनेक मंत्रालयों ने अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में पैनापन लाने की कोशिश की। प्रदेश में 1 नवंबर से लेकर आज तक 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। इसके बदले किसानों को बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत 283 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि धान बेचने वाले किसानों को 8,671 टोकन जारी किए गए थे। आज टोकन तुहर हाथ ऐप के जरिए करीब 1,500 टोकन जारी किए गए हैं। प्रदेश में 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। किसानों से सामान्य धान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान 2,060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को आपदा की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जागरूक किया। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी पर रेस्क्यू किए जाने का प्रदर्शन किया गया। इस बारे में दुर्ग कलेक्टर
पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि पानी में फंसे लोगों को किस तरह सुरक्षित निकाला जाए इस बारे में जागरूक किया गया। स्टाफ है उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग रहे कि अगर दो लोग डूब रहे हैं तो किस तरह से बचाना है, एक लोग अगर पानी में डूब रहे हैं उनको तैरना नहीं आ रहा है तो किस तरह से उनको जाकर बचाना है, अगर बारिश में लोग फंस गए हैं दूसरी साइड फंस गए हैं तो किस तरह से नाव से जाकर उनको बचाना है। तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो STRF के जो जवान हैं हमारे उनको तो आता ही है ये सब चीज़ें, बट रेवेन्यू के स्टाफ को और कुछ आम जनता को इनके बारे में पता रहे, स्पेशली नदी के आसपास के जो किनारे के जो गाँव है वहाँ के लोगों को पता रहे कि किस तरह से करना है, इसलिए पूरी ट्रेनिंग इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि इस तरह की आपदा के केसेस में डेथ कम हो। इसी तरह बेमेतरा जिले में भी बाढ़ आपदा प्रबंधन की टीम ने शिवनाथ नदी के अमोरा घाट में बाढ़ आपदा से बचाव के लिए मॉक ड्रिल किया। कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बाढ़ आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का मुआयना किया। इस रेस्क्यू अभियान के बारे में कलेक्टर ने बताया कि नगर सेना के जवानों ने आपात स्थिति में किस तरह लोगों की मदद की जाए इस बारे में बताया। में लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना, मेडिकल रिलीफ देना, कैंप्स में लोगों को तैनात करना, कैंप्स में लोगों को रिलीफ देना, हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिचुएशन में जो पेशेंट्स हैं उनको ले करके जाना, एक पूरा चैन इस प्रक्रिया पे हम ये कह सकते हैं कि आकस्मिकता या इमरजेंसी के हालात में जितनी चीज़ें जो तय करनी है तो ये ट्रेनिंग भी है, ये मॉक ड्रिल भी है, ये प्रशासन की तैयारी कैसी है, ये सभी चीज़ को एक्सरसाइज के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारी कैपेसिटी कितनी है, कहाँ पे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हमको और बेटर करने की जरूरत है, तो सारे पार्ट्स को हमने इस पे लिया हुआ है, उसी का हिस्सा है। आपदा प्रबंधन की टीम ने मुस्तैदी से रेस्क्यू कर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने मॉक ड्रिल की। इसके लिए स्थानीय स्कूल में राहत शिविर बनाया गया था जहाँ सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। महिलाओं को घर के भीतर या किसी भी तरह की हिंसा से निजात दिलाने प्रदेश के विभिन्न जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। महिला और बाल विकास विभाग के तहत संचालित इन केंद्रों में महिलाएं अपनी समस्याओं का समाधान पा रही हैं। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले में पिछले 5 सालों से चल रहे सखी वन स्टॉप सेंटर में समस्या ग्रस्त महिलाओं को विधिक सहायता मिल रही है। इस बारे में केंद्र की प्रभारी H. निशा खान ने बताया कि यहाँ आने वाले दोनों पक्षों की सुनवाई की जाती है और उन्हें उचित सलाह देकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनावेदक पति की समझ बनी, उसने अपनी गलतियों को माना, तत्पश्चात हमने कार्यालयीन कार्रवाई कंप्लीट करने के पश्चात तो उनका एक इकरारनामा तैयार कराया और परिवार को एक साथ पारिवारिक एकीकरण कराया। इसके बाद हम लगातार उनसे फॉलोअप लेते रहे। पारिवारिक एकीकरण के पश्चात अभी परिवार में सर्वाइवर बहुत सम्मान से रह रही है, पति उनका ख्याल रख रहे हैं और पूरा परिवार मंगलमय खुशमय जीवन जी रहा है। सखी सेंटर में पहुंचे पीड़ित ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में आकर उन्हें उचित मार्गदर्शन मिला। मन मुटाव हो जाती साहब ना झगड़ा उगड़ा होते से पी खा लेते रहे हूँ ना, रिपोर्ट कर दे रही से मोर घर वाली हर आज मोरा सब समझाइन, महिला समूह पटवार सब चीज मोर समझाइन हवे, पुलिस थाना बारद्वार से आ रही थी समझाई से मोला, अब हमन बढ़िया हन। यहाँ आने वाले पीड़ितों की काउंसलिंग की जाती है, यदि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते हैं तो मामले का निराकरण हो जाता है। इस तरह सखी वन स्टॉप केंद्र बिखरते परिवारों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थल हैं जो देश दुनिया के सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। कोरिया जिले में स्थित हजारों साल पहले बनाए गए शैलचित्र आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों की पहुँच से दूर हैं। यहाँ स्थित वनों और गुफाओं के भीतर पत्थरों में अद्भुत शैलचित्र हैं जो गहरे लाल, खड़िया और गेरू रंग में अंकित हैं। साथ ही इस इलाके में बेहद दुर्लभ जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। कोरिया जिले की सीमा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से लगी हुई है। यहाँ प्राचीन, ऐतिहासिक और दुर्लभ चीजें मौजूद हैं। इस बारे में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के प्रभारी वन अधिकारी रंगनाथ रामकृष्णन ने बताया कि इस इलाके की गुफाओं में भित्ति चित्र अंकित हैं जिसका सर्वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में 15 साइट मिले हैं जो कि केव आर्ट या रॉक आर्ट या भित्त चित्र जो बोलते हैं उनके मिले हैं, जो कि हमें लग रहा है अभी तक इनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाया है, पर हम लोगों ने एक किताब उसके लिए निकाले हैं
ये लगभग 10,000 साल से 20,000 साल पुराना भित्त चित्र लग रहे हैं, जिसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह से करवाना है। पर ये एक ऐतिहासिक विषय है कि जो ऐसा घनघोर जंगल है वहाँ के अंदर पुराने काल के लोग आए हैं, बसे हैं, और वो अपना एक पहचान छोड़े हैं वहाँ पे, जो कि भित्त चित्र के रूप में हमें आज दिखाई देते हैं। प्रकृति से लगाव रखने वाले लोगों के लिए पर्यटन का अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, साथ ही प्राचीन काल में बनाया गया शैलचित्र भी देख सकते हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लिखा माड़ा पहाड़ के पास, यहाँ पर हजारों वर्ष पूर्व शिलालेख तैयार की गई है, जो कि यह बतलाता है कि हजारों वर्ष पूर्व भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय कला पद्धति जीवंत थी और बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हुआ करते थे। हजार वर्ष पूर्व बनाए गए कलाकृति आज भी जीवित है, जिसे सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो उन्हें संरक्षित करने की, जिसे जिला प्रशासन एवं उद्यान पार्क की ओर से विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। आपको बता दूं, जिस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में हम मौके पर पहुंचे हैं, यहां किसी भी प्रकार से आने जाने के सुगम रास्ते तैयार आज भी नहीं हो पाए हैं, और यहां पर पशु पालकों के अलावा किसी भी प्रकार के अन्य व्यक्तियों का आना जाना नहीं है। जब से जानकारी मिली है कि यहाँ शिलालेख के चित्र उकेरे गए हैं, तब से थोड़ा थोड़ा लोगों का आना जाना बना हुआ है। लेकिन आपको बताते चलूं, भारतीय शिक्षा पद्धति और कला का एक जीवंत प्रमाण यह है कि आज के पहले भी लोग किस तरह से भारत में शिक्षित रहे होंगे, इसका एक जीवंत प्रमाण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा और कला की हजारों वर्ष पूर्व भी महत्व रहे है। जरूरत है तो अब इसे संरक्षित करने की, जिसके लिए जिला प्रशासन प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन यहाँ के लोग भी मांग कर रहे हैं कि यह एक प्राचीन और आदिकाल की धरोहर है, जिसे सुरक्षित किया जाए ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी और हम इसे याद रख पाए कि पूर्व में जब भी मानव का विकास हुआ होगा तो मानव के विकास के साथ शिक्षा और पद्धति सभी चीजों की जानकारी मिली गई होगी, उसके बाद यह चित्र उकेरा गया होगा। कोरिया से नीलेश तिवारी, दूरदर्शन न्यूज। गरियाबंद जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार डिप्टी कलेक्टर करुण कुमार डहरिया ने प्रार्थी शफीक खान से बोर खनन के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की थी। इस मामले की जानकारी शफीक खान ने ACB की टीम को दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम पंचायतों में बोर खनन किया जाना था, इसके लिए अनुमति मांगने वह CEO के पास पहुँचा था, मगर उनसे 25,000 रुपये की राशि मांगी गई थी। प्रार्थी ने 20,000 रुपये देने की बात कही। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित सीरियल स्वराज दूरदर्शन का राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण किया जा रहा है। दर्शक इसे DD नेशनल पर हर रविवार रात 9 बजे, मंगलवार दोपहर 1 बजे, गुरुवार दोपहर 1 बजे, शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 9 बजे देख सकते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, धान की पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने सभी राज्य करें उचित प्रबंधन। देशव्यापी स्वच्छता अभियान गढ़ रहा सफलता के नए आयाम। राज्य में अब तक हुई 69,783 मीट्रिक टन धान की खरीदी। और राहत आपदा प्रबंधन की टीम ने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में मॉक ड्रिल कर लोगों को किया जागरूक। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।